हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो इस वीडियो में वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर मार्केट्स एंड मार्केटिंग। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज एंड उसके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो प्रोडक्ट्स का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ सर्विसेज। मीनिंग एंड नेचर ऑफ सर्विसेज, देखो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है क्या। आपने बिजनेस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 9 में, उसमें यही था कि बिजनेस क्या है, जो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। सो वही आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज मार्केट एंड मार्केटिंग में जो हमारा बेसिक है ना, देखो आगे आप जब मार्केटिंग मिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट होता है ना, इट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, वो बेस होता है मार्केटिंग का, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें, बिकॉज यही वो चीज है जिनमें जब इनकी सेलिंग होगी ना, तभी बिजनेस के पास रेवेन्यू आएगा। जब तक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल नहीं होगी, तब तक उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज होती क्या है, देखो आपने प्रोडक्ट को पता चलिए आपको कि टैंजिबल चीजें होती है, सर्विसेज बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। एक चीज जो कॉमन है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, पहले कॉमन चीज को देख लेते हैं। कॉमन चीज ये है कि जो सर्विसेज होती हैं, दे आल्सो सैटिस्फाई अ ह्यूमन नीड और वांट, सैटिस्फाई अ ह्यूमन नीड और वांट, किसी ना किसी तरह की ह्यूमन नीड्स को सैटिस्फाई करती हैं। एंड सेकेंडली दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेल, इसको भी हम सेल कर सकते हैं। ये है सिमिलैरिटी जो प्रोडक्ट में भी थी एंड सर्विस में भी है। जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि सर्विसेज इनटैंजिबल होती है। अब इनटैंजिबल क्या है, टैंजिबल का ऑपोजिट। टैंजिबल आपको पता है, टैंजिबल वो चीज है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। सर्विसेज वो चीजें हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी फेल्ट एंड विच कैन नॉट बी सीन। हम सर्विस को देख नहीं सकते। अगर आप डॉक्टर के पास गए एंड आप चाह रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको फीवर आ रहा है एंड आप डॉक्टर के पास गए एंड यू आर आस्किंग कि आप ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर ने आपको ट्रीट कर दिया, उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, आप मेडिसिन लेकर घर आ गए, आपने खा लिया एंड आप सही हो गए, तो क्या ये जो आप इस चीज को देख सकते हो, डॉक्टर ने जो आपको सर्विस प्रोवाइड करी, क्या उसको आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप बोलोगे कि उन्होंने तुम्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और उन्होंने जो है मेडिसिन लेकर मैं घर आ गया, उन्होंने मेरा चेकअप कर दिया, तो ये तो उन्होंने आपको ये चीजें दिख रही है, बट वो जो मेन सर्विस है वो नहीं दिख रही। वो सर्विस क्या है, जो डॉक्टर के लेवल पर आए हैं, उन्होंने जो अब तक पढ़ाई करी है, जो उनके पास नॉलेज है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उसका यूज करके वो आपकी हेल्थ को एनालाइज करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वो सर्विस है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर अपनी जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं। एंड क्यों वो फीस चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब वो कर सकते हैं, जो आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर सकते हैं, वो एक जनरल पर्सन नहीं कर सकता है। ये स्पेशल सर्विसेज होती है, ठीक है। अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, देन वो टीचर जो आपको अपनी नॉलेज दे रहा है, आपको चीजों को समझा रहा है, एजुकेशन दे रहा है, वो भी एक सर्विस है। वो हर पर्सन आपको, कोई भी पर्सन आपको टीच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कोई टीच कर रहा है, टीचिंग भी एक सर्विस है, जो वो अपनी नॉलेज और अपने जो भी उन्होंने अब तक सीखा है उससे वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप लॉयर्स के पास गए एंड आपका कोई केस है, ठीक है, लॉयर उस केस को एनालाइज करके, स्टडी करके सॉल्यूशंस देगा एंड देन वो जाके कोर्ट में आपके बिहाफ पे वहां पर केस लड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉयर आपको आपके लिए कर रहा है, लॉयर जो फीस चार्ज कर रहा है अपनी सर्विसेज के लिए, ये क्या सर्विसेज है, ये जो उन्होंने सीखा है अब तक, जो उनकी नॉलेज है उसका वो यूज कर रहे हैं। एंड नॉलेज क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, आप उसको देख नहीं सकते हो। किसी की कितनी कैपेबिलिटीज है आप उसको देख नहीं सकते हो। सिचुएशंस को अगर कोई पर्सन हैंडल कर रहा है तो आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। ये क्या है, सर्विसेज होती है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, आप गए, आपको मन किया कि आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, आपको चिप्स खाने हैं, आप गए, आप चिप्स लेकर आ गए, ठीक है, एंड आपने वो ईट कर लिया, आपको प्रोडक्ट था। आपको रोज अपने टूथब्रश करने हैं तो आप गए टूथपेस्ट लेकर आ गए एंड टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो, रोज आप टूथब्रश कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है। आपको लिखना है, आप गए पेन लेकर आ गए, पेंसिल लेकर आ गए, आप उसको यूज कर रहे हो। तो प्रोडक्ट्स भी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, सर्विसेज भी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप बीमार हो तो आपको आपकी आपकी बीमारी को कौन सही करेगा, डॉक्टर विद सर्विसेज।
आपको नॉलेज चाहिए, टीचर आपको नॉलेज देगा, ठीक है। तो सर्विसेज क्या है, वो भी चीजें हैं जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती हैं और जिनको सेल किया जा सकता है। फर्क बस इतना है, सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक इनटेंजिबल चीज है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। अब अगर हम फीचर्स की बात करें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विसेज, तो कुछ फीचर्स है सर्विसेज के। फर्स्ट फीचर है आपका इनटेंजिबिलिटी, जो आपको ये डेफिनेशन से ही पता चल गया है कि सर्विसेज आपके इनटेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबिलिटी। अब देखो यहां पर भी आपको टर्म्स देखना है, देखो फीचर क्या है, इनटेंजिबिलिटी है, सर्विसेज आर इनटेंजिबल, ठीक है। तो इनटेंजिबल कहां यूज करना है, इनटेंजिबिलिटी कहां यूज करना है, वो आपको बताना चाहिए। अब जैसे इनटेंजिबिलिटी आप कब यूज करोगे, इनटेंजिबिलिटी इज अ फीचर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इनटेंजिबिलिटी सर्विसेज का फीचर है, लेकिन सर्विसेज आर इनटेंजिबल, सर्विसेज इनटेंजिबल होती है। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो, आप आंसर में लिख दो कि इनटेंजिबल इज द फीचर ऑफ सर्विस, इनटेंजिबल सर्विस का फीचर है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इनटेंजिबिलिटी है जो की एक फीचर है, ठीक है। तो यू शुड बी क्लियर विद दीज थिंग्स, इनटेंजिबिलिटी फर्स्ट फीचर है कि सर्विसेज इनटेंजिबल होती है, ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सेम चीज है, उनका कोई भी फिजिकल शेप नहीं होता है एंड दे आर इनविजिबल, दे कैन नॉट बी सीन, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड फीचर आपका आता है, एंड सेकंड फीचर इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का क्या मतलब होता है, पेरिशेबिलिटी इसमें किस वर्ड से बना, ये बना है पेरिशेबल से, पेरिशेबल। पेरिशेबल का क्या मतलब होता है, ये देखो पेरिशेबल वर्ड, पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, जो चीज खत्म हो जाए। तो सर्विसेज को पेरिशेबल क्यों बोला गया, सर्विसेज क्यों खत्म हो जाती है, सर्विसेज उस टाइम तक ही केवल आप यूज कर सकते हो जब वो आपको प्रोवाइड करी जा रही है, उसके बाद उस सर्विस को आप यूज नहीं कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप इसको प्रोडक्ट से कंपेयर करो, आप गए, ठीक है, आप गए एंड आप वहां से टूथपेस्ट खरीद कर आ गए, आप टूथपेस्ट आपने देखा उसमें एक टाइम पीरियड मिक्स आपका लिखा होता है कि ये एक्सपायरी डेट होती है कि इस टाइम तक ये एक्सपायर हो जाएगा, इस टाइम पे ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके पहले इट इज इन गुड कंडीशन टू बी यूज्ड, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट लेकर आए, प्रोडक्ट आपके पास आ गया है, फिर आप उसको, अगर टूथपेस्ट को आप एक मंथ बाद भी यूज कर रहे हो तो भी आप वो अच्छे कंडीशन में होगा एंड आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वो उसकी दो साल तक की उसकी एक्सपायरी हो जाती है। तो आप ये प्रोडक्ट जो लेकर आए हो उसको आप यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप जैसे परचेज करके घर आए आपको तुरंत वो टूथपेस्ट यूज करना स्टार्ट कर देना है, उसको कुछ टाइम आप रख सकते हो और वो खराब नहीं होगा, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, अब जैसे आप गए आप मिल्क लेकर आए, ठीक है, एंड मिल्क आपने रखा है कई दिन से रखा है, देन डेफिनेटली वो एक दिन खराब हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप ब्रेड लेकर आए, अगर ब्रेड आपने रखी हुई है ना फ्रिज में भी उसको रखोगे कुछ टाइम के बाद वो क्या, वो खराब हो जाएगी, पेरिशेबल हो जाएगी, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेरिशेबल नहीं होते, ठीक है, जो ये पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं ये क्यों पेरिशेबल नहीं है, बिकॉज उनमें वो चीजें पड़ी होती हैं जिससे क्या होता है वो उसको प्रिजर्व करके रखता है, प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं इन चीजों में, ठीक है। आप फ्रूट्स लेकर आओगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट्स की बात है, पेरिशेबल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन जो सर्विसेज है वो हमेशा पेरिशेबल होती है। अगर आप एक सर्विस, आपको अभी मिलने की टाइम है कि आपको अभी वो सर्विस मिल रही है एंड आपने उसको यूज नहीं किया तो आगे आप उस सर्विस को यूज नहीं कर सकते हो, कैसे, देखो एक बस है जो कि सिटी ए से सिटी बी तक जा रही है एंड उस बस के अंदर 45 सीट है, ठीक है, 45 सीट है उस बस के अंदर, मतलब अगर एक टाइम पे वो बस ए से बी जाएगी देन वो 45 लोगों को ए से बी तक लेके जा सकती है। अब उस बस में केवल 35 पैसेंजर्स बैठे एंड 10 सीट्स वेकेंट थी, 10 पैसेंजर्स की सीट्स वेकेंट थी, किसी वजह से उनको यूज नहीं करनी थी वो बस, ठीक है, उनको ए से बी तक नहीं जाना था, तो ए से बी तक गए कितने लोग, 35 लोग गए। अब ये ए से बी तक जो लोग गए हैं, ये जो टिकट दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, वो किस चीज के दे रहे हैं, वो इस चीज के दे रहे हैं कि इस बस की वजह से उनका ट्रैवल हो पाया, दे ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ दिस बस, ठीक है, बस ने ट्रैवलिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहां पर जब ए से बी तक लोग जा रहे हैं तो इस ट्रैवल करने का वो पैसे देंगे, ठीक है, टिकट देंगे। जो सीट्स वेकेंट हैं, जिन सीट पर कोई पैसेंजर नहीं था, कोई नहीं बैठा हुआ था, वो सीट भी ए से बी तक गई, लेकिन वो सर्विस क्या वो 10 पैसेंजर्स यूज कर पाए, नहीं कर पाए। अगर उस टाइम की बात करो, उस
सर्विस की बात करो, ये जो एक सर्विस प्रोवाइड करी बस ने, देन उस सर्विस में वो जो 10 सीट खाली थी उसको आगे कोई अब्यूज नहीं कर सकता। कोई ये नहीं बोल सकते कि मैंने वो 10 सीट नहीं यूज करी आज में, लेकिन 45 सीट है फिर भी मैं जो वहां पे बैठूंगा चाहे सारी सीट फुल हो, क्योंकि वो मेरी एक सीट उस टाइम की वेकेंट बची हुई थी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर्विसेज पेरिशेबल है। एरोप्लेन है, एक जगह से दूसरे कंट्री में अगर जा रहा है और आप नहीं बैठ पाए उस पे, एंड वो आपकी सर्विस क्या कर, आपने भले टिकट ले लिया, आप लेट हो गया एंड एयरप्लेन आपका मिस हो गई, ठीक है, फ्लाइट मिस हो जाएगी तो क्या होगा, क्या आप उस फ्लाइट को दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक बार सर्विस चलेगी तो वो खत्म होगी, उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के साथ क्या है, प्रोडक्ट्स को आप दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे अगर टूथपेस्ट की बात करो तो ऐसा नहीं है एक बार आप यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा, आप उसको बार बार यूज करो, कई टाइम पीरियड तक यूज कर सकते हो। सर्विसेज के साथ ये केस नहीं होता है। अब क्या है थर्ड, देखो फीचर, थर्ड फीचर आपका कह रहा है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी ये किस वर्ड से आया है, ये आपका आया है सेपरेबल से। सेपरेबल का क्या मतलब होता है, जिसको अलग किया जा सके, ठीक है। पर सर्विसेज क्या है, इनसेपरेबल है। सर्विसेज का फीचर है इनसेपरेबिलिटी एंड सर्विसेज आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल किससे यहाँ अलग करने की बात हो रही है, यहाँ सर्विस को उस सर्विस प्रोवाइडर से अलग करने की बात हो रही है। देखो जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है एंड एक प्रोडक्ट होता है। एक तो प्रोड्यूसर होता है जिसने प्रोडक्ट बनाया है, दूसरे आप कंज्यूमर होते हो, बायर होते हो, सेलर होता है, बायर होता है, और बीच में आपका वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उसमें क्या आपने पढ़ा है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन यूटिलिटी हो जाती है। पोजीशन यूटिलिटी क्या कहती है कि पहले वो प्रोडक्ट उस प्रोड्यूसर का था, बट जब आपने पैसे देकर उसको खरीद लिया तब वो प्रोडक्ट आपका हो गया, फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज करो और नहीं यूज करना मत यूज करो, किसी को देना है दे दो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की नहीं होती, ठीक है, ये चीज है। पर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है, सर्विसेज को आप सर्विस प्रोवाइडर से अलग कर नहीं सकते। सर्विसेज में कौन सी पार्टीज होती है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो सर्विस होती है जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है, एंड आप यूजर होते हो उस सर्विस के, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से अलग नहीं कर सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल आप यही बस से ट्रैवलिंग की बात करो, अगर आप बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो बस की ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो ड्राइवर है, बस का ड्राइवर और जो कंडक्टर है वो आपको बस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बस से कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, ट्रैवल की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो बस का ड्राइवर है, जो कि बस का ओनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड कंडक्टर, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या जब आप बस की टिकट परचेज कर लेते हो और बस से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो क्या वो बस आपकी हो जाती है, नहीं हो जाती है, नहीं होती है, वो क्या है, सर्विस है। आप उसको, क्योंकि सर्विस जो है वो जिस टाइम प्रोड्यूस होती है तुरंत ही कंज्यूम हो जाती है। अगर आप एक बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको वो ट्रैवल की सर्विस मिल रही है, तो वो ट्रैवल की सर्विस प्रोड्यूस भी उसी टाइम पे हो रही है। बस ड्राइवर वो बस चला रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप यूजर उस बस ड्राइवर की उस सर्विस को यूज कर रहे हो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जो सर्विसेज होती है उनके प्रोडक्शन में और उनके कंजम्पशन में कोई टाइम गैप नहीं होता है, प्रोड्यूस भी होती है और सेम टाइम पे कंज्यूम हो जाती है। आप किसी रिपेयर शॉप में गए, आप अपनी बाइसिकल को या आप अपने कार को रिपेयर करा रहे हो, तो वो जो सर्विस मैन है जो रिपेयर कर रहा है आपकी कार को, वो रिपेयर कर रहा है, वो अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो सर्विस का प्रोडक्शन उसी टाइम हो रहा है और आपकी कार रिपेयर हो रही है, तो आपको वो सर्विस उसी टाइम मिल रही है, आप उसी टाइम उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है कि सर्विसेज का कॉन्सेप्ट, सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसी टाइम पे कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसलिए सर्विस को आप सर्विस प्रोवाइडर से अलग कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये उसकी स्किल पर भी बेस्ड होती है, ठीक है। बस ड्राइवर बस चलाकर आपको ले जा रहा है, बस आप उससे नहीं ले सकते हो। आप एयरप्लेन पे हो तो पायलट से आप एयरप्लेन नहीं ले लोगे, ठीक है। आप रिपेयर शॉप में गए, रिपेयर करवा रहे हो, तो आप उस रिपेयर जो कर रहा है उससे वो आप शॉप नहीं ले लोगे जाके, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आ जाता है। आप कार के शोरूम में जाओ, जब तक आप कार परचेज नहीं करोगे वो कार उस ओनर की होगी, उस कंपनी की है, एंड जब आपने परचेज कर लिया देन वो कार आपको बिलोंग करेगी, ठीक है, ये चीज होती है। पर सर्विसेज में ऐसा नहीं है। तो सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर इनसेपरेबल, उनमें इनसेपरेबिलिटी वाला फीचर होता है कि उसको हम सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। ये आपका हो गया थर्ड फीचर।
नाउ फोर्थ फीचर अगर हम देखें सर्विसेज का, तो फोर्थ फीचर आपका कहता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कहां से आया? वेरिएबिलिटी आया है वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल जो वैरी कर जाए अलग अलग। तो यहां पर बोला गया कि सर्विसेज जो है वो वेरिएबल होती है, वो अलग अलग होती है। क्यों ऐसा बोला गया? देखो अगर आप प्रोडक्ट की बात करो, ठीक है, और आप गए, आप कार के शोरूम में गए, ठीक है, एंड कार के शोरूम से फॉर एग्जाम्पल आपने बीएमडब्ल्यू ली, ठीक है, आपने बीएमडब्ल्यू परचेज कर ली। अब आप वो कार खरीदोगे, अगर आपका कोई फ्रेंड है वो गया किसी और शोरूम में, वहां से उसने बीएमडब्ल्यू परचेज करी, तो क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। आप नॉर्मल सी बात करते, आप मैगी का पैकेट लेने गए, ठीक है, तो जो मैगी का पैकेट आपको ए शॉप से मिल रहा है, सेम टाइप का मैगी का पैकेट आपको बी शॉप से भी मिल जाएगा। क्या कोई डिफरेंस होगा दोनों में? नहीं होगा, बिकॉज प्रोडक्ट्स आपके स्टैंडर्डाइज होते हैं। प्रोडक्ट्स में आपने पढ़ा था कि वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, उनकी जो होमोजीनियस टाइप के होते हैं, ठीक है, उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अगर आप ब्रांडेड वाले प्रोडक्ट की बात करो। लेकिन सर्विसेज क्या है? सर्विसेज अलग अलग होती है। आप कई बार आप क्या बोलते हो कि आप होटल में स्टे किया, आपने कहा इस होटल की सर्विसेज अच्छी नहीं थी, ये वाला होटल बेटर था, इस बस से गए, ये बस तो बड़ी बेकार सी थी, अच्छे से हम नहीं जा पाए, इसकी सर्विस अच्छी नहीं थी। फिर आपने कोई दूसरी बस करी, एंड दैट बस वॉज गुड, आपने कहा इस बस की सर्विसेज बहुत अच्छी है, ठीक है। ट्रेन से जाते हो, ट्रेन को आप कंपेयर कर लो, ट्रेन में देखो जनरल कंपार्टमेंट होता है एंड एसी होता है, तो सर्विसेज अलग अलग होती है। सो सर्विसेज क्या है? वेरिएबल है। सेम बस की सर्विस आपको ए कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सेम बस ट्रैवलिंग सर्विस आपको बी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बट क्या दोनों में आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, सेम फीलिंग होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो सर्विसेज क्या? वेरिएबल है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कई बार क्या होता है रेस्टोरेंट में आप गए एंड जो वेटर है बहुत ही खुश वाले मूड में, तो बहुत अच्छे से सर्विस देगा आपको, अच्छे से ग्रीट करेगा, आपसे ऑर्डर लेगा, आपको सर्व करेगा, सब अच्छे से करेगा, ठीक है। आप भी रेस्टोरेंट में गए, जरूरी नहीं कि वहां का वेटर भी अच्छे से आपको ट्रीट करे। कई बार होता है आप बुलाते रह जाते हो, सुनते ही नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए एंड वहां पर पहले दिन आपने देखा तो वेटर अच्छे मूड में था, उसे अच्छे से ट्रीट किया। किसी और दिन आप उसी सेम रेस्टोरेंट में गए एंड वही सेम वेटर ट्रीट अलग तरीके से कर रहा है, मे भी उसका मूड खराब हो, मे भी कोई चीज हो, ठीक है। तो सर्विसेज क्या है? वो वेरी कर जाती है। आपको हमेशा सेम तरह की सर्विस नहीं मिलेगी, किसी भी टाइप की सर्विस की आप बात कर लो, चाहे आप एंटरटेनमेंट सर्विस की बात करो, चाहे आप ट्रैवलिंग सर्विसेज की बात करो, चाहे फाइनेंस सर्विसेज की बात करो, किसी की बात करो, वो वैरी करती है, अलग अलग होती है। सो दिस वॉज द फोर्थ एंड द लास्ट फीचर ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज में इतना ही था, मीनिंग में बस आपको देखो यही कीवर्ड्स है कि नीड या वांट को सेटिस्फाई करती है, सेल किया जा सकता है सर्विसेज का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट लाइन आपको लिखनी होगी वही है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, ठीक है। उसके फीचर्स क्या है? पहला तो इंटेंजिबिलिटी, दूसरा पेरिशेबिलिटी, डिस्ट्रॉय हो जाती, खत्म हो जाती, एक बार खत्म होगी तो उसके बाद यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी, आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं कर सकते हो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम टाइम पे होता है, लेकिन उसमें क्या था आपको प्रोडक्ट में आपको जब बताया गया था तो प्रोडक्ट में क्या था, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में टाइम गैप होता है, एंड वो टाइम गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम गैप जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में हमें प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट को सेव करके रखना होता है, जिसको हम वेयरहाउस में स्टोर करके रखते हैं, मतलब वो स्टोर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता है। वेरिएबिलिटी, अलग अलग तरह की सर्विस आपको अलग अलग जगह मिलेगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्विसेज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, किन टाइप्स की सर्विसेज होती है, एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डिफरेंसेस क्या है। फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।